विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो मगर राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां देखी जा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया है कि बागी विधायक जो समाजवादी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं है, उन पार्टी ने पहले ही विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के दागी विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी कहा है कि जिसके बाद सभी राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां और तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट का ये कहना है कि दागी विधायक को पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था, अब वह कहीं पर भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का ही है। बहुजन समाज पार्टी आगामी 2022 के आम चुनाव को लेकर हमारा संगठन का कार्य पूरे मंडल में चल रहा है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी साथी हमारे लगे हैं। जो पार्टी में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके आप उनकी तलाश कर रहे हैं या फिर उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं? जी, पहले बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसकी तैयारी के लिए सभी हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसे मजबूत करना है और उसके बाद प्रत्याशियों की जो बात रही तो उसके बाद उनकी तलाश की जाएगी। आप मंडल में हैं तो लोग आपसे कह भी रहे होंगे या फिर कह रहे होंगे कि मैं इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, ऐसी भी आपके पास? जी, बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ने वालों की काफ़ी लंबी लाइन है और बहुत लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ें और विजयी हों और पांचवी बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की सरकार बने। बहुजन समाज पार्टी के 9 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुके हैं, इस बारे में आप बताएं। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी की मुखिया अनुशासन के मामले में कोई रहत नहीं करती। अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होती है। इसी क्रम में जो विधायकों का आजकल जिक्र चल रहा है, इन्हें बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अनुशासनहीनता के कारण पहले ही पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं। इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा या फिर? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी में तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी ने बनाए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव अब आने वाला है, सरगर्मियां देखी जा रही हैं, क्या लग रहा है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? जी, पार्टी में जो कार्यकर्ता जो हमारा लड़ने के इच्छुक होंगे पार्टी उन्हें लड़ाने का काम करेगी। तो क्या इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कितनी जीत को लेकर? अब देखिए, चुनाव आने पर पता चलेगा क्या समीकरण बनते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं।